नमस्कार, मेनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा नबीगंज के श्री नाथुराम इंटर कॉलेज में नब्बर्स के मौके पर 3 दिवसीय अंतर विद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए हमारे संवाददाता अरविंद दीक्षित की ये। स्वतंत्रता सेनानी श्री नाथुराम दीक्षित इंटर कॉलेज टोडरपुर में नब्बर्स पर 3 दिवसीय अंतर विद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में मुख्य रूप से कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन तथा वॉलीबॉल के खेलों का आयोजन हुआ। आज तीसरे दिन कबड्डी में बालक वर्ग के क्लास कक्षा 10 कक्षा 9 के बीच फाइनल हुआ, जिसमें छात्रों ने 35-29 जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। नाम है आपका? अनिल कुमार द्विवेदी। सुधीर कुमार त्रिपाठी। आज क्या प्रतियोगिताएं हुई विद्यालय में? आज हमारे विद्यालय में बैडमिंटन, खो खो, वॉलीबॉल और तथा कबड्डी की प्रतियोगिता हुई। जी, बैडमिंटन में कौन सी टीम फाइनल पहुंची? बैडमिंटन में हमारे ग्रुप की टीम जो थी अभय दीक्षित और आकाश द्विवेदी, सिद्धार्थ दीक्षित और सत्यम द्विवेदी, इनके बीच हुई। तो इसमें फाइनल बाजी में क्या नाम इनका, आकाश द्विवेदी, इन्होंने बाजी मारी है, उन्होंने विजय प्राप्त की है। जी, कबड्डी की प्रतियोगिता में कौन फाइनल पहुंचा? कबड्डी की प्रतियोगिता में कक्षा 9 से कुशाग्र दीक्षित की कप्तानी में टीम फाइनल में पहुंची और कक्षा 10 से रितु चौहान की कप्तानी में टीम फाइनल में पहुंची। जी, इसमें रितु ने बाजी मारी। किस उपलक्ष्य में ये प्रतियोगिताएं कराई गई? नब्बर्स के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में प्रतियोगिताएं कराई गई हैं, जिसमें से 6 से लेकर के और इंटर तक के सभी बालक बालिकाओं ने इसमें प्रतिभाग किया है और बड़े हर्षोल्लास के साथ नब्बर्स का उन्होंने आगमन स्वीकार किया है और 18 को विदा कर दिया है। जी, धन्यवाद।